उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर टिहरी जिले के उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने आंदोलनकारी के पांव छूकर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में उत्तराखंड भू कानून अधिनियम लागू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस टिहरी जिले में सादगी से मनाया गया और इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान और शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अल्मोड़ा बस हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। अनेकों विकास कार्य हुए, सड़क से लेकर बिजली, पानी और हमारे चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, अनेकों मैंने कहा ना कि गाथाएं हमने गढ़ी हैं। जहां तक भू कानून की बात हम लोग कर रहे हैं, हमने अनेकों मंचों पे कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और निश्चित रूप से आगामी जो हमारा विधानसभा सत्र होगा, जिसे हम बजट सत्र के रूप में देखते हैं, उसमें एक सत्य भू कानून इस उत्तराखंड के लिए लाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारे इस उत्तराखंड में 71% वन है, 29% उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम का शुभारंभ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर में 25वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कुमाऊनी छोलिया नृत्य आकर्षण के केंद्र के साथ रहा। मुख्य मंच में शास्त्रीय नृत्य कला भी प्रस्तुत किया गया।